जब सखियां देने में पूछ रही हैं तो विचार कर रही हैं कि पार्वती के और साजन आए और चलो सभी लड़कियां बरात देखने को जब चली हैं और जो ही दूल्हा को देखो सो एकदम नाक मरोड़ गई है ना। दूल्हा तो बहुत देखे लेकिन कैसो मौत को चूल्हा आज तक ना देखा। जा परना में रंगू ढंगू और नाई दुनिया हेमांचल नगरिया में पहुंची तो नायन और पंडतानी को मालूम पड़ गई कि बरात में नाग आया। तो नायन रोने लगी और बोली बहना पंडतानी जा ब्याह में नाग और पंडित को पहलो काम और अगर हमारे नाग ठाकुर को कुछ है गो तो हमें कोई दुआ रोटी दे भैया। तुम्हारी इच्छा सही कह रही हो बहनो, अगर हमारे पंडित जी कुछ है वो तो तुम्हारी इच्छा हमें तो कोई दुआ रोटी दे भैया बहनो हो ही ना। अब जे नायन और पंडितानी चल और इधर सखियां जब चली हैं नंगर की महिलाएं चली हैं और महिलाओं ने जो ही दूल्हा को देखो कहने लगी बहना हमारे दामाद आए तो लांटे से जब चली आया और जी दूल्हा जाते गांव में घुसो है और तब तक पुत्र के तो चिल्लाए के पेटे ही फूले गए। अरे पुत्र की बात कर रही हो तुम, तुम्हारी इच्छा छोटे छोटे ललिता तो घर में तो बात नहीं कर रहे। अब स्त्री ने सोची कि जब हमारे दामाद आए तो गिरजा की मैया ने आरती उतारी और चलो हलो दूल्हा की आरती उतार सो आरती के थाल सजा सजा करके और भोले बाबा की आरती उतारने के लिए जब चली और दूल्हा के पास में जब पहुंची सो भोले बाबा ने सर्प के बच्चा को इशारा दे 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 और जो ही सर्प को बच्चा ने करके आओ सो उन्होंने थरिया फेंकी और जे मैया मैना के पास में पहुंची और जाकर के बोली मैया मैना तुमने बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। हर एक माता पिता सोचता है कि बेटी की शादी ऐसे घर में की जाए
जो बेटी अपने माता पिता को जीवन भर दुआएं देती रहे, लेकिन तुमने अपनी बेटी का धाक फोड़ दिया। वो दूल्हा का है, ऐसो दूल्हा है कि ना मुंह में दांत है ना पेट में। जोई मैया मैना ने सुनो सोई देहरी से मुंह को पटपट दिया। कहने लगी अगर ये शादी होगी तो मैं अपनी बेटी को लेकर के किसी कुआं में गिर जाऊं। और अपने पति देव को बुला करके मैया मैना रोने लगी है और रोकर के बोली, श्रीमन तुमने मेरी बेटी का भाग फोड़ दिया। अगर बूढ़े वर्मा के साथ बेटी की शादी होगी तो बेटी का जीवन